पहलवान सुशील कुमार गिरफ्तार। पुलिस ने सुशील कुमार पर रखा था 1 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सागर धनखड़ की हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए और अजय पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। पूरा मामला यह था कि दिल्ली पुलिस को 4 मई को रात करीब 12 बजे छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के बीच झगड़े की खबर मिली थी। झगड़े में घायल होने वाले पहलवान सागर को BJRM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद हालत बिगड़ती देख उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में सुशील कुमार, अजय, प्रिंस, सोनू, सागर, अमित और अन्य के बीच कथित तौर पर झगड़ा हुआ था। मृतक सागर ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन श्रेणी में प्रतिस्पर्धा की थी और वह एक पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन और वरिष्ठ राष्ट्रीय शिविर का हिस्सा थे। दरअसल सुशील कुमार और कुछ अन्य पहलवानों द्वारा 4 मई की रात को राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम परिसर में कथित रूप से की गई मारपीट में सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। वहीं सागर के दोस्त सोनू तथा अमित कुमार घायल हो गए थे। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पहलवान सुशील कुमार को उसके साथी अजय के साथ मेडिकल के लिए अस्पताल ले जा रही है। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुशील कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के अलावा यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और अब पंजाब में ताबड़तोड़ छापेमारी की। दिल्ली में कई ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन सुशील का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस को सबसे पहले सुशील के उत्तराखंड जाने की जानकारी मिली थी। उसके बाद से पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए 5 राज्यों में दबिश दे रही थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय सागर राणा की हत्या के मामले में दोनों उक्त आरोपियों को रविवार सुबह दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक दिन पहले सुशील कुमार की अंतिम लोकेशन पंजाब के बठिंडा में ट्रेस किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया था और वे पहलवान को पकड़ने के लिए हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में छापेमारी कर रही थी। दिल्ली की एक अदालत ने सुशील को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि कुश्ती खिलाड़ी सुशील प्रथम दृष्टया मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं। सुशील और 6 अन्य के खिलाफ इस मामले में गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। इससे पहले पहलवान सुशील के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 हत्या, 308 गैर इरादतन हत्या, 365 अपहरण, 325 गंभीर चोट पहुंचाना, 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 341 गलत तरीके से रोकना और 506 आपराधिक धमकी के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। दर्शकों, हो सकता यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेक दिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेक दिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दर्शकों, हो सकता यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेक दिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेक दिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।